स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर किसान बिल के खिलाफ विपक्षी दल का भारत बंद। रोहतास जिले में भी इस बंद को सफल बनाने का प्रयास किया गया। इस महा आंदोलन में किसानों के साथ साथ विपक्षी दल भी इस बंद में भागीदारी करते हुए दिखे। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर किसानों के साथ साथ सासाराम विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राजेश गुप्ता, हर क्षेत्र के विधायक संतोष मिश्रा, चनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम एवं नौखा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता चौधरी ने सुबह से सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक राजेश गुप्ता ने बोला कि राजद और महागठबंधन हमेशा से किसानों के हित और समर्थन के लिए काम किया है। इस मौके पर सासाराम विधायक राजेश गुप्ता, जिला युवा राजद अध्यक्ष जितेंद्र नटराज, जिला युवा राजद उपाध्यक्ष केशव पाल, जिला युवा राजद महासचिव महेंद्र पासवान, जिला युवा राजद सचिव राम प्रवेश प्रजापति, युवा राजद नगर अध्यक्ष वकील चौहान सुदर्शन राय पटेल, ओम जी यादव, आलम ऋषि यादव, इम्तियाज मयूर, इंजीनियर नीतीश यादव, मनंजय ओम प्रकाश गुप्ता, राजधानी गुप्ता, कृष्णा निराला, गोरख सिंह, अमित आर्य, दीपक सेठ, राधेश्याम महतो, कालीचरण पासवान, अशोक कुमार गुप्ता, अरुण यादव, अजय पंडित, दयानंद सिंह, कालीचरण पासवान, अशोक सिंह मंटू इत्यादि लोग मौजूद रहे। सासाराम से विपिन बिहारी तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार जो किसान विरोधी बिल पास किया है उसके विरोध हम लोग जानते हैं। केंद्र सरकार किसान पे नरेंद्र मोदी होश में आओ, काला कानून लाने का काम किया है। इसके बाद हमने बहुत जाम किया।